नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। साथियों, जब भी आप अपना घर बनाते हैं, घर में आप जो है डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये विंडो फ्रेम जो है वो कितनी बड़ी विंडो फ्रेम है, और इस बड़ी विंडो फ्रेम के ऊपर लोड ना आए, उसके ऊपर भार ना आए ब्रिक वर्क का, तो इसीलिए यहाँ पर लिंटल बीम डाला जाता है, जो कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया कि जब ये घर बन रहा था तो हमने हर एक डोर हर एक विंडो फ्रेम के ऊपर लिंटल बीम डाला है। साथ ही साथ आप सभी की सभी फ्रेम्स को अगर आप देखेंगे, कैमरा मैन से मैं चाहूँगा कि सभी फ्रेम्स को दिखाइए, तो एक लेवल में है, तो लेवल ट्यूब की मदद से आप जो है वो इसको बिल्कुल एक लेवल में रखते हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर की एस्थेटिक लुक है वो ठीक आए और आपका घर, आपका जो रूम है या फिर जो भी आप कुछ बना रहे हैं वो अच्छा दिखे। और साथ ही साथ 8 फीट की चौखट है, ये 8 फीट का दरवाजा लगाया गया है और विदाउट वेंटिलेटर है, क्योंकि वेंटिलेटर खोलना बहुत ही कम जो है वो रहता है घर में, कि वेंटिलेटर लोग खोलते हैं उसे बंद करते हैं या फिर वो फ्रीज हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं दिया। और 8 फीट की चौखट है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी घर की हाइट है वो भी ज़्यादा है, तो घर की हाइट 12.5 फीट है। यहाँ पर अगर आप फुल सीलिंग भी करवाते हैं तब भी आपके रूम की हाइट या फिर घर की हाइट कम नहीं होने वाली है। साथ ही आप जो मेन आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो मेन टॉपिक है वो है हमारा वुड फ्रेम्स को लेकर, या फिर जो भी आपकी दरवाजे और खिड़कियाँ की चौखट है उनको लेकर। तो अक्सर जो है आप इसमें क्रैक्स देखते हैं, आप इसमें दरारें देखते हैं, ड्यू टू जब हम क्योरिंग करते हैं, पानी लगातार यूज होता रहता है क्योरिंग करने के लिए, ब्रिक वर्क करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में, या फिर जब तक स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होता, तो बारिशों में भी पानी खिड़कियों पर लगता है, क्योंकि शटरिंग का काम चला होता है, जो भी काम चला होता है उसकी वजह से जो है जब बाहर रहती हैं आपकी चौखट या फिर उस पर क्योरिंग का काम चला रहता है, तो आपकी दरवाजे खिड़कियाँ खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको बचाने के लिए, लकड़ी को बचाने के लिए हम प्राइमर का कोट करते हैं, तो देख सकते हैं कि 2 कोट जो है वो प्राइमर के कर दिए हैं। अब प्राइमर का कोट करने से ना ही वुड के ऊपर जो है दीमक जैसी चीज़ों से नुकसान होगा, और ना ही इसके ऊपर जो है वो वेदर इफेक्ट जैसे कि धूप से इसको नुकसान होगा, और ना ही इससे इसको पानी से वही उतना ज़्यादा नुकसान होगा जिससे ये खराब हो सके, तो ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी क्रैक्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, और कहीं पर भी दीमक या फिर इस तरह की समस्या नहीं है, बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन वैसी की वैसी जो है वो यहाँ पर आप डोर फ्रेम्स को देख सकते हैं और विंडो फ्रेम्स को देख सकते हैं। तो वहाँ सामने भी डोर फ्रेम है उसको बिल्कुल अभी वैसी की वैसी है, सामने आप देख सकते हैं दूसरी विंडो फ्रेम को वो भी बिल्कुल वैसी है, और लेवल से जो है वो पूरा काम किया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो। अगर आप अपने घर में डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम को इंस्टॉल करते समय प्राइमर कोट कर लेंगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।